तो शुरू करें, आगे बढ़े आंसर को डिमांड को। कुछ नंबर आपने दोनों पढ़ लिए इसके, है ना? ओके हाँ, अभी बढ़ते हैं इसमें। अब बढ़े जरा बुझे ना दिया। अरे चलिए, अब क्वेश्चन नंबर टू में क्या बोल रहा है आपसे, ठीक है? ये कह रहा है कि जरा क्वेश्चन ढंग से देखना आप लोग, आपसे एक क्वेश्चन में कह रहा है कि ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन द साइड पी क्यू एंड पी आर रेस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है? आपके पास एक ट्रायंगल पी क्यू आर है, ठीक है? सबसे पहले बात तो क्वेश्चन को पढ़ना आना चाहिए आपको, समझना आना चाहिए। मतलब आपके पास एक ट्रायंगल पी क्यू आर है कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ऐसे। और इसमें कह रहा है आपसे, इसको नाम दे दो पी क्यू आर। फिर आपसे कह रहा है इस क्वेश्चन बेटे, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, आपके पास तीन केसेस समय, तीन केस, और कह रहा है कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर क्या ई एफ पैरेलल क्यू आर। मतलब सबके लिए एक लाइन होगी ऐसी, कौन सी लाइन? ई एफ, ठीक है? आपने ये पता करना है क्या ई एफ इसके पैरेलल है या नहीं। उसने बोला ना स्टेट वेदर दिया नहीं है, वो पता कर रहा है आपसे कि पता करो कि क्या जो लाइन ये है ई एफ, ये इसके पैरेलल है या नहीं। तो इसके तीन पार्ट है, पहला पार्ट मैं कर लेता हूं, बाकी आप घर में करना, ठीक है? तो इसका पहला पार्ट क्या है, यहां इसने बोला आपसे कि पी ई इक्वल टू कितना है 3.9 सेंटीमीटर, ओके, ई क्यू कितना है 3 सेंटीमीटर, पी एफ कितना है 3.6 सेंटीमीटर एंड एफ आर ये कितना है 2.4 सेंटीमीटर, ये है बेटा, ठीक है? अब देखो कैसे, अगर ई एफ क्यू आर के पैरेलल हुआ तो कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा होना चाहिए। मतलब मैंने भी क्या बोला कि अगर पैरेलल गिवन है तब हम रेशियो इक्वल ले सकते हैं, और अगर हमने पैरेलल प्रूफ करना है तो रेशियो इक्वल करने पड़ेंगे, बस मारिए उसका ठीक उल्टा मतलब, ठीक है? तो पी ई कितना है 3.9 सेंटीमीटर में, ई क्यू 3 सेंटीमीटर और पी एफ 3.6 और एफ आर 2.4, हमें ये प्रूफ करना है, तो ऐसा होना चाहिए। अगर दोनों इक्वल नहीं आए तो ये पैरेलल भी नहीं होगा, बात खत्म, ठीक है? अच्छा जी, तो एक काम करते हैं, पहले इसको ले देते हैं इन दोनों को, ठीक है? किसको? पी ई अपॉन ई क्यू, हम पहले इसको ले लेते हैं, ठीक है ना? अच्छा, पी ई कितना है हमारा 3.9 और ई क्यू कितना है 3, तो उसे काट दो कितना 1.3 सेंटीमीटर। तो इस साइड का जो रेशियो आया कितना आया 1.9, अब उसका ले लो उधर कितना है वो, अगर सेम आया तो इक्वल रख सकते हैं, हां तो इक्वल होगा पी एफ अपॉन एफ आर, ठीक है? ऐसे तो पी एफ कितना है 3.6 और एफ आर कितना है 2.4, तो पहले पॉइंट से पॉइंट हमने कैंसिल कर दिए, और 12 से कट रहा है 12 जा कुछ 3 अपॉन 2 यानी कितना 1.5 सेंटीमीटर। अब देखो बेटा, इसका इसका रेशियो तो 1.3 आया, इसका इसका रेशियो 1.5 आया, दोनों सेम आ रहे नहीं, नहीं आ रहा ना, तो कौन देगा? मैंने कहा अगर सेम नहीं होगा तो नॉट पैरेलल, ठीक है? यहां दिखा दो, यहां पर दिखा दो कि पी ई अपॉन ई क्यू नॉट इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, सो क्या बराबर नहीं है, करो से कोई दिक्कत है? इसे कर सकते हो क्वेश्चन को, अब सुनो बेटा, इसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको आपको जो है उसने डायग्राम दे रखा है, ठीक है? तो डायग्राम कुछ ऐसा, डायग्राम पे डिपेंड करता है ज्योमेट्री,
ओके ट्रायंगल वगैरह जो भी ना कुछ ऐसे ठीक है। कुछ ऐसे ठीक है ना। देखो ये तो इस क्वेश्चन में उसने क्या बोला, मैंने क्या बोला कि जो चीज गिवन होगी उसका कोई ना कोई यूज होगा ठीक है, और जो चीज निकालनी है इसको हम निकालना है, ये हमें प्रूफ करना है ठीक है। तो प्रूफ जो होगा बेटे वो इन पे डिपेंड करेगा नॉर्मल सी बात। और ट्रायंगल के लिए मैंने आपको एक वो दिया था मंत्र, क्या था मंत्र, वो मंत्र क्या था, चोरी करनी है, चोरी मतलब आपने यहीं से उठाना सब कुछ इधर से ठीक है, जो चीज दिख रही है उसे, लेकिन कैसे तरीके से, और गिवन की हेल्प से। तो पहले गिवन यहां डाल दो एक बार, तो गिवन कितना था हमारा, गिवन है LM पैरेलल CD एंड LN पैरेलल CD, ये गिवन हो गया ठीक है। अब जो चीज प्रूफ करनी है, टू प्रूफ, ये तो फॉर्मेलिटी है, आपको करनी पड़ेगी ज्योमेट्रिकल पोर्शन में, AM अपॉन AB ठीक है इक्वल टू AN अपॉन AD ओके। इसके अलावा प्रूफ, तो प्रूफ में क्या हुआ, देखो गिवन हमें दिया है तो उसका यूज करना है, किधर रखा है, लेंगे हम हैं LM पैरेलल CD दे रखा है। अब आप ये देखो कि LM किस में है, देखो LM ये रहा ऊपर, ये दोनों दिख रहा है, ये रहा LM हो गया, और ये किसके पैरेलल है, CB के, तो CB कहां है, CB ये रहा आपका, तो बनाओ उसे। अब इनको जोड़ने से एक ट्रायंगल जैसा कुछ बनना चाहिए, कुछ ऐसा ठीक है, ये ए बी सी एल और एम, बात समझ में आ रही कैसे। देखो मैंने इस गिवन की हेल्प से ट्रायंगल पता कर लिया ठीक है, मैंने गिवन की हेल्प से ट्रायंगल का पता कर लिया। अब साइड पे दिखा दो, इन ट्रायंगल ए बी सी होगा, ये इससे मैंने ट्रायंगल निकाला, अब मैं इसको जब मेंशन कर रहा हूँ कि हम इसमें ले रहे हैं ठीक है। अब क्या लेंगे इसमें, क्योंकि पैरेलल तो है क्या, ये दोनों आपस में पैरेलल तो है ही, तो लेंगे साइड का रेशियो, लेकिन साइड का रेशियो कौन सा वाला, ऊपर वाला, सब कुछ वहां मिल जाएगा आपको, ये प्रूफ करना है ठीक है, कुछ आपको दाएं बाएं देखना है, इसमें सब कुछ वहां मिल जाएगा आपको। अच्छा तो क्या बोल रहे हैं, ए एम अपॉन ए बी, जैसा रेशियो यहां पर है ना, वैसा लोगे यार, और क्या लोगे ठीक है। अब जैसा इस तरफ किया बस इस तरफ करोगे क्या, ए एल अपॉन ए सी ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये तो इससे आया। अब इसकी बारी, दूसरे गिवन की बारी ठीक है, तो क्या बोल रहा है इसमें, ये एल एन पैरेलल सी डी, बट जैसे ये किया वैसे करना है इसको भी, तो एल एन पैरेलल सी डी, तो ये रहा आपका एल एन और ये आपका सी डी, इसको जोड़ने से वो ट्रायंगल जैसा बनना चाहिए कुछ ऐसे ठीक है, ये एल और ये एन, ये ए सी और ये डी, तो जैसा बनेगा नहीं बनेगा ठीक है। तो इससे हमें क्या मिला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए सी डी, ट्रायंगल ए सी डी में, ए सी डी ओके बेटा, आप ट्रायंगल ए सी डी में है तो उसको यूज करेंगे क्या बोलना, कैसे मतलब, इन दो इक्वेशनों को मल्टीप्लाई करा देना, नहीं कंपेयर करेंगे, देखो ना वो मल्टीप्लाई करा देंगे तो बोले वो फिर मल्टीप्लाई में आंसर आएगा, वहां का मल्टीप्लाई ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे हिंट लो ना जो तुमने निकालना। अच्छा हो गया इतना, तो क्या लेंगे साइड का रेशियो, देखो यार ए यार अपॉन ए डी, तो इस ट्रायंगल से ये मिला, इस ट्रायंगल से ये मिला यार अपॉन, क्या हो जाएगा ए, जैसा रेशियो दिया है वैसे उठा लो, ए यार अपॉन ए डी, ए यार अपॉन ए डी इक्वल टू, हाँ जैसा इस सब लेना रेशियो, इतना फिर पूरा वैसे, इतना फिर पूरा ऐसे लिख दे, ए यार अपॉन ए सी, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब जरा इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन सेकंड को गौर से देखो, दोनों का आरएचएस सेम, दोनों का आरएचएस सेम, तो दोनों का एलएचएस भी क्या होगा, सेम ही होगा, इसे बोलते हैं कंपेयर करना ठीक है। ऑन एक काम करो ना, देखो सिंपल सा एक काम करो, ये आपका एल आ गया, आ गया इतना एल ठीक है, अब ये भी एल ठीक है, तो जो ये आर एच एस
ये भी आर एच एस, दोनों सेम हो रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या है, ये रही समझ आ रहा है, समझ आ गई, समझ आ गया ना, तो इसकी वैल्यू ये रही, इसके यहाँ रख दो, लो एक ही बात है, और उसको सीक्वेंस में सब पूछ रहा है, उसे दिखा दो, लो, तो सब कुछ आसान है, जो निकालना था, गिवन की हेल्प से और जो निकालना था, बस ये तुम्हारा, ओके, ओके, अब देखो जरा पहले इस क्वेश्चन में जैसे तीसरा क्वेश्चन था वैसे ही है, क्वेश्चन नंबर फोर, ठीक है, DE पैरेलल AC, तो गिवन लिख दो एक बार, DE पैरेलल AC एंड DF पैरेलल AE, ठीक है, और क्या प्रूफ करना है हमें, ये प्रूफ करना है, BF अपॉन FE इक्वल टू BE अपॉन EC, हमें ये प्रूफ करना है, ओके ओके, अब जैसा हमने तीसरा क्वेश्चन किया था इसने भी वैसे ही होना है, गिवन की हेल्प से, पहले ये देखो ये गिवन है, पहले आप इसको उठा लो, क्या DE पैरेलल AC, अब इसकी सहायता से ट्रायंगल पता करो, तो DE क्या है तुम्हारा, DE पैरेलल AC कुछ ऐसे, ये आपका DE और ये आपका AC, ये देखो AC, ठीक, तो इनको जोड़ने पर क्या बनना चाहिए, ट्रायंगल बनना चाहिए, तो ट्रायंगल का हमें आइडिया मिल गया, ये AC है, ये DE, ये DE और ये D, तो क्या बना ट्रायंगल आपका, ABC, ठीक है, तो इससे क्या मिला ट्रायंगल, ABC, इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC, तो क्या लेंगे, रेशियो ले लो, ठीक है, क्योंकि पैरेलल तो है वो, लेकिन रेशियो कैसे, इसके अकॉर्डिंग, अच्छा हमें इससे क्या मिलने वाला है, बी एफ अपॉन एफ ही मिलेगा, नहीं क्योंकि इसमें एफ कहीं है ही नहीं, हमें से ये वाला मिलेगा, ठीक है, क्या बीई अपॉन ई सी, बीई अपॉन ई सी, तो जैसा जैसा रेशियो मांग रहे हैं वैसे दिखा दो उसे, बीई अपॉन ई सी इक्वल टू, और जैसे इस साइड किया वैसे इस साइड करो, बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए, ओके हो गया इतना, ये हुआ इस गिवन की सहायता से, अब इसकी बारी, क्या बोल रहा उसमें, डी एफ पैरेलल ए ई, डी एफ पैरेलल ए ई, तो डी एफ कहाँ है, डी एफ ये रहा, डी एफ पैरेलल ए ई, और इसको जोड़ कर भी कुछ ट्रायंगल ऐसा बनेगा, ठीक है, तो बी ए ई और ये आपका डी एफ, ठीक है, अब इसमें ले लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी ई, ओके बेटा, तो रेशियो कैसा, सब मांग रहा है क्या, बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल टू इधर हाँ बी डी अपॉन डी ए, ऐसा ठीक है, हुआ क्लियर, तो यानी कि देखो बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल टू, सुनो बेटा ये बी डी अपॉन डी ए, ये भी बी डी अपॉन डी ए, दोनों इक्वल, दोनों इक्वल, तो मतलब कि इसकी वैल्यू में ये है, तो उसे यहाँ रख सकता हूँ, तो बी डी अपॉन डी ए किसके इक्वल है, बी ई अपॉन ई सी के इक्वल है, तो बी डी अपॉन डी ए की जगह पर कह ले सकते हैं बी ई अपॉन ई सी, ओके ठीक है, ये रहा करिए इसे, तो देखते हैं इसको, देखिए इसमें कैसा होना है, तो पहले तो जरा गौर करो गिवन पे, ठीक है, गिवन यहां लिखो क्या दिखाना है, DE पैरेलल OQ एंड DF पैरेलल OR, ठीक है, ये गिवन हो गया, जो निकालना है, अच्छा टू सो है इसमें,
टू सो कर दो, वैसे बात एक ही है पर फिर भी है ना टू सो। क्या है इसमें EF पैरेलल QR, ठीक है EF पैरेलल QR। और अब देखो कैसे करना है इसको, सुनो बेटे मैंने आपसे ये कह रहा है कि EF को, सुनो EF को QR के पैरेलल करो, ठीक है जरा पढ़ देखना देखा या तो बाबू जी वो कह रहा है कि ये करो ऐसे करो। तो एक हम इसको ट्रायल करने के लिए हम एक डायग्राम में बनाते हैं, ठीक है तो EF कहाँ है तुम्हारा है कि नहीं, और कहाँ तुम्हारा कहाँ क्यों आ ये रहा कुछ ऐसे, और इसको जोड़कर एक ट्रायंगल बनना चाहिए। तो ट्रायंगल क्या बनेगा बेटा, ट्रायंगल बनेगा पी क्यू आर और ये ई एफ, यानी कि आर क्यों है क्यू आर यहाँ पर क्यू आर हो हाँ, यानी कि कुछ ये टर्न आएगा और वो प्रूफ करना है, वो गिवन नहीं है, वो कह रहा है कि ये प्रूफ करो, देखो ये प्रूफ करो ये सो रहा इसे करो प्रूफ। तो क्या होगा इस केस में, हमें अगर मैं ऐसा कर गया पीई अपॉन ए क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, अगर ऐसा हो गया इसमें क्या बोलूं, अगर हमने इसका इसका और इसका इसका रेशियो इक्वल कर दिया देन हम कह सकते हैं कि ई एफ पैरेलल क्यू आर। तो मैं देखो मैंने क्या हमने जो करना है ना, मैंने एक बार याद उठाया यहां से, ये ट्रिक है क्वेश्चन करने की कि हमें इसको देखकर अपना जो क्वेश्चन को आगे बढ़ाना पड़ता है, कुछ ऐसा होना चाहिए। अब ये कैसे होगा, ये होगा मुझे पता है ये होगा इनकी हेल्प से, हाँ ये होगा ये होगा इनकी हेल्प से, कुछ नया नहीं है खाली हमें ऐसे दिखा दी कि ऐसा होना चाहिए बस। तो ये होगा इन दोनों की हेल्प से, ठीक है जो गिवन आंसर होगा। चलिए तो पहले इसकी बारी डीई पैरेलल ओक्यू, हम ले रहे हैं डीई को किसके पैरेलल, ले रहे हैं पैरेलल किसके ओक्यू के, ठीक है कुछ ऐसा होना चाहिए इसे याद रखना। अब देखो तो क्या होगा तुम्हारा डीई का तुम्हारा, तो ये रहा DE पैरेलल OQ है कि नहीं है ना, तो DE और ये है पैरेलल किसके OQ के, तो क्या बनना चाहिए ट्रायंगल बनना चाहिए कुछ ऐसा, ठीक है तो ये P O Q और ये D E, ठीक है कुछ ऐसे होगा है ना। तो अब लो उसका रेशियो क्या होगा, इन ट्रायंगल P O Q हाँ P E upon E Q equal to P D upon D O, P D upon D O ये हो गया P D upon D O, इसे इक्वेशन फंस माननी पड़ेगी, ठीक है। अब इस गिवन से क्या है क्वेश्चन में D F parallel O R दे रखा है D F parallel O R, तो D F का क्या हमारा D F ये रहा और O R ये रहा, क्या बनना चाहिए ट्रायंगल P Q R, देख रहे हो बेटा P O R, सॉरी ये O R है और ये आपका D F, तो जो आपके रेशियो क्या P F, सब देखो ट्रायंगल देखो पहले क्या एक ट्रायंगल एक ट्रायंगल P O R, ठीक है ठीक है ना। अब ले लो इसका रेशियो क्या पी एफ अपॉन एफ आर इक्वल टू क्या हाँ पी डी अपॉन डी ओ। अब जरा आप इन्हें गौर से देखो पी डी अपॉन डी ओ पी डी अपॉन डी ओ है कि नहीं है, तो उसकी जगह हो बिल्कुल, तो मैं यहां पर क्या करूंगा पी डी अपॉन डी ओ की जगह पर क्या लिखूंगा लिख सकता हूँ, अरे उसकी उसकी वजह तो है वो। अब मैंने आपसे क्या बोला था कहीं हो गया हमारा प्रूफ नहीं है, देखो कैसा अभी तो हाँ देखो वही ये निकला है, देखो पी एफ का तुम्हारा ये लो और एफ आर उसके नीचे मतलब ये बन गया बन गया पी आर है ना, फिर पी ई कुछ ऐसे और इसके नीचे ई क्यू कुछ आगे मिल जाएगा ऐसे, और आपस में हमने क्या करा आगे ट्रायंगल बनाया आगे जो मैंने पहले बनाया था ट्रायंगल हाँ अब क्या, तो
इसका इसका रेशियो इसके इसके रेशियो क्या है इक्वल तो मतलब क्या हुआ ये दोनों साइड आपस में पैरेलल मतलब हां ये दोनों आपस में पैरेलल पास में आ गए ना तो इससे क्या मिलेगा हमको ट्रायंगल इन ट्रायंगल PQR मिलेगा अब ये साइड का रेशियो इक्वल है तो मतलब क्या हुआ मतलब ये हुआ कि EF पैरेलल QR लो करो सर इसके बाद वाला क्वेश्चन भी ऐसी है उसे आप लोग खुद करना ठीक है हाँ चलिए देखिए मैं करता हूँ देखो सुनो डा पहली बात तो यह है कि इसको समझना बहुत जरूरी है ठीक है यहां आपसे कह रहा है क्वेश्चन में कि प्रूव दैट द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल ये तो समझ में आ गया कि एक ट्रायंगल है ठीक है इतना पढ़ा हमने और क्या समझ में आया कि एक ट्रायंगल है ये रहा आपका ट्रायंगल नाम दे दो ए बी सी ठीक है अब वो कह रहा है कि इसके किसी एक साइड के मिड पॉइंट से इस ट्रायंगल के किसी एक साइड के मिड पॉइंट से सपोज ये क्या है मिड पॉइंट सपोज करो कि एम ओके उसने बोला है ना उसने कहा कि इस ट्रायंगल के किसी देखो प्रूव दैट द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ठीक है किसी एक साइड के मिड पॉइंट से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी ठीक है जो लाइन ड्रॉ करी है ये दूसरी लाइन के पैरेलल है बोल रहा हुआ देखो प्रूव दैट द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड किसी भी एक साइड के वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल किसी ट्रायंगल के पैरेलल टू द अदर साइड ये क्या है इसके पैरेलल है बाइसेक्ट द थर्ड साइड क्या प्रूव करना है कि ये जो है थर्ड साइड को बाइसेक्ट करती है इसका बाइसेक्ट मतलब काटना ठीक बीच से काटना मतलब क्या होना चाहिए ए एन इक्वल टू एन से होना चाहिए ये तो होना चाहिए ना उनको होना चाहिए अरे बाइसेक्ट मतलब क्या हुआ बीच से काटना एक साइड दे रखा उसने वो कह रहा है कि ये मिड पॉइंट है वो कह रहा है कि किसी किसी एक साइड के मिड पॉइंट से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो जो लाइन ड्रॉ होगी वो होगी दूसरी साइड के पैरेलल लेकिन जो लाइन होगी वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगी मतलब उसने इसको फर्स्ट साइड बस बता दिया इसको सेकंड इसको थर्ड तो ये तो थ्योरम से ही हो जाएगा हाँ लेकिन प्रूफ करना है इसको बात समझ आ रही है कुछ ऐसा होना चाहिए वो कह रहा है कि एम एन बाइसेक्ट ए सी कुछ ऐसा होना चाहिए ना किसे तो बाइसेक्ट बी से काटना जब हम ये प्रूफ कर देंगे तो क्या मतलब है इसका कि एम एन ने ए सी को बाइसेक्ट कर दिया ठीक है तो गिवन इसका गिवन क्या बेटा एम एन पैरेलल ए बी हाँ एम इज अ मिड पॉइंट ऑन हाँ एम इज अ मिड पॉइंट एम जो है मिड पॉइंट है किसका मिड पॉइंट ऑफ ए बी एम जो है ए बी का मिड पॉइंट है इसके अलावा क्या गिवन है एम एन पैरेलल बी सी उसने बोला हुआ है ठीक है तो और क्या दिखाना है इसमें टू प्रूफ हमें से प्रूफ करना है कि एम एन बाइसेक्ट ए सी है ना मतलब ए एन इक्वल टू एन सी ये मतलब कहने का यही बात है कहने का समझा रहे बेटे अब प्रूफ देखिए ऊपर देखो जो है हमें जो गिवन है हमें जो गिवन है हम उसके लेंगे हेल्प एक तो क्या है पहले क्या है हमारे पास कि M इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी एम क्या है ए बी का मिड पॉइंट है एम ए बी का मिड पॉइंट है तो क्या होगा ए एम अपॉन एम बी कि नहीं होगा होगा ना होगा एम मिड पॉइंट है तो ये दोनों बराबर होंगे आपस में ठीक है तो ये हो गया दूसरा हमें क्या गिवन है कि एम एन पैरेलल बी सी तो ये ट्रायंगल लेंगे एम एन बी सी के पैरेलल है मतलब क्या होगा इसका इसका मतलब ये होगा कि रेशियो को होगा क्या मतलब ए एम अपॉन ए बी और a n upon n c ये होगा है ना अब जरा पढ़ देना बेटा मैं a m की जगह पे m b लिख दूं
कर सकता हूँ जो सेंटर से काट बराबर चाहे एम की जगह में एम बी लिखो चाहे एम बी की जगह में एम करो कोई दिक्कत नहीं है और ये एम बी रहने देना दोनों में से कोई एक ही बदलना बेटे और ये एन सी तो कट गया वन आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो होगा कितना आएगा एन सी इक्वल टू ए एन मतलब ए एन इक्वल टू एन सी हो गया प्रूफ क्या मतलब इसका सो एम एन बाइसेक्ट एसी ये मतलब इसका मतलब ये हुआ कि एन क्या है मिडपॉइंट है वर्ड मतलब ना एन क्या है मिडपॉइंट है किसका एसी का करीब यहाँ पे आप ये भी आ सकता है और एन इज अ मिड पॉइंट ऑफ एसी ठीक है करीब तो प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड ठीक है आपसे कह रहा है कि एक ट्रायंगल है ठीक है तो ये रहा आपका ट्रायंगल कुछ इस प्रकार से नाम दे दो एबीसी ठीक है अब उसने क्या बोला है उसने बोला है कि प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स देखो उसने मिड पॉइंट्स बोला है देखिए दो मिड पॉइंट मिले एक इधर कर लेते हैं एक इधर कर लेते हैं ठीक है ज्वाइन कर लिया नाम एम एन वो कह रहा है कि दो मिड पॉइंट्स हैं हमने उनको ऑप्शन ज्वाइन कर लिया और जो इस प्रकार ज्वाइन करने पर जो लाइन बनी ये लाइन होगी थर्ड साइड के पैरेलल पूछ रहा है वो एम मिड पॉइंट एन मिड पॉइंट गिवन इनको जोड़ने पर जो लाइन बनी वो है इसके पैरेलल मतलब इसको उसने फर्स्ट साइड मान ली इसको सेकेंड इसको थर्ड हमें दिखानी है जो लाइन बनेगी वो थर्ड साइड के होगी पैरेलल ठीक है ना अच्छा जी तो गिवन बेटे एम इज अ मिड पॉइंट्स यहां करेंगे एम एंड एन आर द मिड पॉइंट आर द मिड पॉइंट्स ठीक है ये हो गया अच्छा जी इसके अलावा टू प्रूव हमें इसमें क्या प्रूव करना है कि एम एन पैरेलल बी सी ये प्रूव करना है ठीक है अब प्रूफ कैसे किया जाए देखो बस जो गिवन है वो उठा लो बस एम मिड पॉइंट है एम मिड पॉइंट है वो लोग यूज करेंगे पर क्या एम इज द मिड पॉइंट एम क्या है मिड पॉइंट है तो जब एगो पढ़ा था मैं जब एम मिड पॉइंट है तो ऐसा हो सकता है ए एम इक्वल टू एम बी पॉसिबल है क्योंकि एम मिड पॉइंट है अब हर कोई नंबर वन से मल्टीप्लाई करता है तो ऐसा आ जाएगा गलत कर रहा हूं मैं वन का या काम उसने बोला कि इसे इसे पैरेलल प्रूफ करो पैरेलल प्रूफ कब होगा जब होगा रेशियो सेम में तो हर कोई नंबर वन से मल्टीप्लाई करता है तो यहां मल्टीप्लाई करा यहां डिवाइड कर दिया कोई दिक्कत तो नहीं ना इतना हो गया अच्छा मैसी क्या एन इज अ मिड पॉइंट एन भी क्या है आपका मिड पॉइंट है तो क्या होगा इसमें आपका ए एन अपॉन एन सी चेक करो उधर होगा नहीं होगा तो हर कोई नंबर वन से मल्टीप्लाई करता है तो ए एन अपॉन एन सी इक्वल टू वन हो गया अब दो ही क्वेश्चन देखो जरा बराबर हो रहे तो यानी कि क्या यानी कि हम जो है इस वन की जगह पकड़ लिखेंगे ए एम अपॉन एम बी ये आ गया रेशियो इक्वल हो गए कि नहीं हो गए हो गए अरे ए एन अपॉन एन सी और ए एम अपॉन एम बी रेशियो इक्वल हो गए क्या मतलब है इसका सो एम एन पैरेलल बी सी ये करो सुन आ गया मेरे को घड़ी खराब है सर क्यों सात पे ही होगा अब से सात पे अब टाइम देखो फोन तो वरना वीडियो यार ओके क्वेश्चन नंबर नाइन
नंबर नाइन का डायग्राम तो नंबर नाइन में क्या बता रहा आपसे कि एबीसीडी का ट्रेपेजियम, एबीसीडी क्या है, एक ट्रेपेजियम है और हमें यहाँ पर ट्रेपेजियम बनाना और क्या बोल रहा है इन विच ए बी पैरेलल डीसी दो पैरेलल कुछ ऐसा होगा ए बी और ये सी डी है कि नहीं है उसके डायग्राम ठीक है तो गिवन क्या है बताओ ए बी पैरेलल डीसी ए बी पैरेलल सी डी सी डी या डीसी की बात एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट टू तो एक डायगोनल ये रहा एक डायगोनल ये रहा एक दूसरे को ऊपर काटते हैं दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को ऊपर काटते हैं काटते ना कोई ओके सो दैट टू सो इसमें गिवन इतना ही होगा हां बाकी डाल देना है हमें ये दिखाना है बेटा ठीक है ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ हमें ये दिखाना है ठीक है ना तो देखिए कैसे करेंगे इसको प्रूफ वैसे एक बात है इसमें प्रूफ आता है अभी हाँ अभी एक इसमें क्या है दिक्कत हमें जो जानकारी पता है इसकी वो प्रॉपर या इनफ नहीं है पर्याप्त नहीं है तो क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन क्यों देखो आप किसको लेना चाह रहे हो ए बी सी कंस्ट्रक्शन क्यों करेंगे मैं वो बताऊंगा आपको ठीक है ये एबीसी अब क्या करेंगे इसमें एक एक लाइन और उसमें कहाँ है बी ओ वो तो ऐसे में तो क्या करना है बी ओ किसी के पैरेलल नहीं है अगर बी ओ किसी के पैरेलल होती ऐसा ले सकते हैं AO अपॉन OC नहीं और AB पैरेलल क्या है मतलब AO अपॉन OC करने के लिए ना BO को होना चाहिए पैरेलल उसके AB के कहाँ है पैरेलल समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ मैं आप इनमें से कोई से भी ट्रायंगल देख लो आपको डायग्राम में लाइन जो क्या होती है जो होती है पैरेलल वो आपको मिलेगी नहीं तो इसलिए क्या करना पड़ेगा हमें हमें यहाँ पर करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन तो कंस्ट्रक्शन इसलिए करेंगे इसमें है ना तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन माने होता है रचना हिंदी में कंस्ट्रक्शन बनाना होता है ठीक है चलिए तो क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन हम ये जोड़ दिया ठीक है ज्वाइन एम ओ ज्वाइन एम ओ अब प्रूफ बोलो किस में लेंगे ए बी डी ए बी डी इन ट्राइंगल अच्छा देखो ज्वाइन एमओ सच डेट ये दिखा दो है सच डेट एमओ पैरेलल ए बी पैरेलल सी डी ठीक है मतलब एमओ ज्वाइन करो कुछ ऐसा करो कि ये जो इसके दोनों के क्या हो पैरेलल हम तभी उसको कर सकते ना तो इन ट्राइंगल किस में बैठे ए बी डी बी डी ट्राइंगल ए बी डी में तो ये आप अलग से बना सकते हो ए बी डी और ये आपका एम ओ एक और पॉइंट लेना है कि नहीं है इसमें क्या बोल रहे हैं कि एम ओ जो है ए बी के पैरेलल है हमने दिखा भी यहाँ पर है ना इसके अलावा तो अब ले लो रेशियो को जब एम ओ ए बी के पैरेलल है तो क्या लेंगे इसमें रेशियो ले लो क्या डी एम पैरेलल ए एम अपॉन एम बी जो इक्वल टू डी ओ डी ओ बी ओ अपॉन डी ओ यहाँ से ऐसे में आए थे ना सुनो ऐसे में आए ना यहीं पर ऐसे में आएंगे ठीक ठीक इतना क्या हो गया इतना ठीक है अब किस में ले अब डी सी पी इन ट्रायंगल बोलो डी सी पी जिसमें ट्रायंगल ऐसा हो जिसमें आपको एम ओ मिले मतलब हाँ तो ए डी ओ ए डी सी ए डी सी सॉरी देखो ना जब मैं यही लिया तो मैं बी ओ ओ डी मिल गया अब ऐसा लगे कि एमओ दूसरे में एमओ है क्योंकि एमओ उसके पहले पैरेलल है तो ए एम ए डी सी ए डी सी ट्रायंगल ए डी और सी और ये क्या है एम ठीक है यहां पर भी क्या है एमओ पैरेलल सी डी या डी सी ये बात तो ले लो इसका रेशियो दो कैसे मांगेंगे जैसे ये आया ना वैसे ही सी ले क्या ए एम ए एम अपॉन एम डी एम डी
इक्वल टू एओ अपॉन ओसी हो गया। अब देखो फिर से बड़े यहाँ देखो जरा दो मिनट दोनों सेम इसके जवाब दोनों सेम तो ये भी सेम हो जाएगा यानी कि एम अपॉन एम डी की जगह क्या लिखूंगा मैं बी ओ अपॉन डी ओ और इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी हो गया प्रूफ नहीं क्या चाहिए ए ओ के नीचे बी ओ चाहिए भाई तो क्रॉस कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो फिर जाएगा ओ सी अपॉन डी ओ या ओ डी के पास यहाँ पर ए ओ अपॉन बी ओ हो गया प्रूफ यानी कि इसको सीक्वेंस दिखा दो यानी कि ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू ओ सी अपॉन डी ओ या सी ओ अपॉन डी ओ दो हो गया प्रूफ ठीक है करिए इसको।